हाँ जी, क्या हाल चाल है यार। देखो फिर से आ चुके हैं कैनाल पे और वीडियो बनाने आए हैं। इधर काफ़ी सारे मोर हैं यार। ठीक है, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यार आज की वीडियो में ना बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, और बात यह है कि होंडा अमेज का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं हुआ था, माइनर से स्क्रैचेस और डेंट आ गए थे, बट कैसा रहा एक्सपीरियंस? शोरूम वालों ने तो एक अच्छा ही एक्सपीरियंस दिया ही था, बट उसके बाद यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो सर्विस सेंटर, किस तरह से वो आफ्टर सेल्स सर्विस करते हैं और किस तरह से हर एक कस्टमर्स को डील करते हैं। ठीक है, तो यही एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। अब मैं फटाफट से दिखा देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था और कहाँ कहाँ पर डेंट लगे थे। तो ये जो पार्ट है ना, ये प्लास्टिक का था, ये यहाँ से मुड़ चुका था, और ये जो क्रोम है, इस क्रोम पर स्क्रैचेज आ चुके थे यहाँ पर और दोनों तरफ। ठीक है, और करेक्शन, यहाँ पे नहीं आए थे, इस वाले पे आ चुके थे, स्क्रैचेस आ चुके थे। और ये जो बम्पर है, ठीक है, अभी गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है, बारिश का मौसम है, तो ये जो बम्पर है इसके यहाँ पे स्क्रैचेस आ चुके थे, इस जगह पे स्क्रैचेस आ चुके थे। और इसके बाद बस ये तीन जगह थी जहाँ पे काफ़ी एक स्क्रैचेज आ चुके थे, और ये तो ऑलमोस्ट क्रोम ख़राब ही हो चुका था। ठीक है, तो ये सर, ये रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ है, और ये भी पूरा रिप्लेस हुआ है। ठीक है, अब किस तरह से क्या क्या चार्जेस लगे हैं मैं पूरा बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यार इम्पोर्टेंट था कि मैंने जो ना, काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार इंश्योरेंस है तो यार बाहर से ले लो, 20-30 हज़ार रुपये बच जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, 20-30 हज़ार के चक्कर में, हाँ तू क्यों आए यहाँ पे, हैं क्यों आए यहाँ पे, तू चल निकल। तो यार 20-30 हज़ार के चक्कर में यार मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए थी कि मैं बाहर से जाके लूँ और कोई दिक्कत आ जाए। मेरा यही मानना था कि यार इंश्योरेंस लेना है तो यार उसी सर्विस सेंटर से ले लो, उसी शोरूम से ले लो, क्योंकि यार आगे चल के ना आपको डील करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 15-20 हज़ार के लिए तो यार चलो ठीक है, बचा लोगे, लेकिन आगे चल के फिर वही चीज़ के लिए आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, क्लेम के लिए फिर उनको कैशलेस होगा नहीं, फिर आपको क्लेम में डालना पड़ेगा, फिर वो आएंगे इंस्पेक्शन करेंगे, ये वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जहाँ से आप गाड़ी ले रहे हो वहीं से इंश्योरेंस ले लो। अब उसमें होता क्या है, देखिए मैं जब गया था सर्विस सेंटर पे तो मैंने दिखा था ये चीज़ें हुई, उन्होंने कहा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्लेम फॉर्म के जो चार्जेस है वो भरने होंगे, वो थे केवल 1000 रुपीज़। और जो मेरा टोटल बिल आया था, जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स के जो बिल आए थे, वो करीब हुआ था 18 हज़ार का। तो देखा जाए तो मैंने सिर्फ क्लेम फॉर्म के लिए ही पे किया, बाकी सारी चीज़ें मुझे फ्री ऑफ द कॉस्ट हो गई थी, उसी इंश्योरेंस में कवर्ड हो गया था। तो यार यही आप कीजिए, लोग कहते हैं कि यार इंश्योरेंस बाहर से ले लो, पैसे बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपकी गाड़ी में कोई डैमेज या थर्ड पार्टी कुछ भी इश्यू आता ना, तो शोरूम वाले कहेंगे जाइए अपनी कंपनी से बात कीजिए, फिर वो लोग का जो इंश्योरेंस एजेंसी की तरफ से जो भी एक बंदा होगा वो आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, सर्वे करेगा पूरी गाड़ी का, फिर देखेगा कितना क्लेम करना है। और वो कैशलेस होगा भी कि नहीं इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये खुद रिकमेंड करूँगा कि यार कहाँ इतना टाइम ही नहीं है यार किसी के पास कि इन सब चीज़ों में पड़े, तो फटाफट से यार वहीं से करवा लो, वही बेटर है। और ज़्यादा नहीं, 7 से 8 दिन गाड़ी रही थी सर्विस सेंटर पे और बढ़िया से बढ़िया रेडी होके आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, जिस तरह से उन्होंने कस्टमर सर्विस दी है मुझे, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड। अब क्या हुआ था, एक और चीज़, गाड़ी मैंने ले ली थी और मैंने सब कुछ चेक किया, तो ये जो पार्ट है ना शार्प, इसे कोई डैमेज नहीं हुआ था, इस पार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ था। बट क्या हुआ, जब मैं फटाफट लेके निकल रहा था तो मैंने मेरी इस पर नज़र नहीं गई, और जब मैं घर पहुंचा उसके बाद में बस ऐसे ही घर वालों को दिखा रहा था, मेरी नज़र गई यार ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा मुड़ चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने फटाफट से कॉल किया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, वापस ले आइए, हम ये पूरा पार्ट चेंज कर देंगे। तो या तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, कि उन्हें पता था कि इस पार्ट में जो इन्होंने लगवाया है या तो पहले से मुड़ चुका है, या फिर उन्हें पता था कि ठीक है यार कस्टमर जेन्युइन होगा, मुड़ा हुआ लगा होगा तो कर देंगे रिप्लेस, उनके पास अवेलेबल होते हैं। और ये कुछ नहीं यार, ये प्लास्टिक ही है, ठीक है ये आपका हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरे प्लास्टिक के ही होते हैं। उनका फटाफट आइए, 10 मिनट लगे, फटाफट से रिप्लेस कर दिया और गाड़ी रेडी। यार यही है यार, मैं यही कहूँगा कि फटाफट से आप लोग भी जो गाड़ी परचेस कर रहे हो इसमें यही ध्यान दीजिए कि हो सके तो वहीं से आप इंश्योरेंस ले लीजिए, उसी सर्विस सेंटर से। ठीक है, कहाँ भाग दौड़ में पड़ोगे आप यार। तो यार यही मेरी तरफ से एक सजेशन है कि हो सके तो इंश्योरेंस आप शोरूम से ही ले लीजिए, जो वो रिकमेंड करे वही ले लीजिए, क्योंकि क्लेम के वक्त ना बहुत ही आसानी होगी, आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा,
और सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंपनीज, बट यूजुअली यही इसी तरह से होता है। अगर आप बाहर से सर्विस, बाहर से अगर आप इंश्योरेंस लेते ना, तो वो लोग यार उस तरह से इतना अप्रोच एंगल जो होता है उनका इतना सही नहीं होता, ठीक है। आपको लगेगा यार हाँ यार यहाँ बात करनी वहाँ बात करनी, और इन सब का एक्चुअली बताओ आपके पास टाइम है? नहीं है, क्योंकि 7-8 दिन तो आपकी गाड़ी वैसे भी सर्विस सेंटर पर रहेगी ये सारे डैमेज रिपेयर होने में, ये होने में, अगर मिनिमम से मिनिमम है तो। उसके बाद आप यहाँ वहाँ इंश्योरेंस के लिए परेशान हो गए यार, ऑलरेडी ये सब स्ट्रेस हो जाएगा, बोलोगे यार ले ले फटाफट 20,000-30,000 रुपये ले और गाड़ी ठीक करके मुझे फटाफट दे दे, ठीक है। तो वही चीज़ है, 10-20,000 के लिए यार ये मत करो कि बाहर से इंश्योरेंस ले लिया, लोग कह रहे हैं हाँ पैसा बाजार पे कंपेयर कर लो, ये कर लो वो कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ गाड़ी मिल रही है वहीं से इंश्योरेंस ले लो, वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे भारत देश में आधे लोग अंधे हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता है, क्योंकि आप भी जानते हो गाड़ी चलाते वक्त 130 जगह पे देखना पड़ता है, यहाँ वहाँ देखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं डेंट वेंट कुछ ना कुछ लगेगा ही। बिल्कुल, भारत देश में और अहमदाबाद में तो यार बहुत लोग हैं जिन्हें ट्रैफिक के रूल्स पता नहीं है, यहाँ वहाँ से डाल देते हैं, तो बहुत चांस है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं से ठुकने ही वाली है। तो बेटर है कि यार एक अच्छा सा इंश्योरेंस ले लीजिए, सर्विस सेंटर जो ऑफर कर रहे हैं वो अच्छा ही होता है, और क्लेम में आपको आसानी ही होगी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आपकी जो कंपनी है ना उस पर भी डिपेंड करता है, वो कंपनी की पॉलिसी क्या है। तो जब भी गाड़ी परचेस कर रहे हो, कभी एक बार ना एक दो एग्जांपल्स उन्हें देखे, चेक करो कि किस तरह से उन्हीं के सर्विस सेंटर किस तरह से क्लेम सेटल करते हैं, या फिर इंश्योरेंस में अगर आपकी गाड़ी जाती है तो किस तरह कैशलेस है, क्या है, ये सारी चीज़ें ना एक दो एग्जांपल लेके थोड़ा अपने डाउट क्लियर कर लो पहले से, ठीक है। फिर लास्ट में यार गाड़ी ठुक गई फिर पछताओगे कहाँ यहाँ ले ली वो ले ली, तो मत कीजिए। गाड़ी खरीदिए सोच समझ के, सारी चीज़ें कंसिडर कीजिए, और फिर सेफ ड्राइव कीजिए, ठीक है। चलिए।